दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत का एक ऐसा द्वीप है जिस पर 60,000 साल से इंसान रह तो रहे हैं, मगर हम आज तक ही नहीं जानते कि वे खाते क्या हैं, क्या बोलते हैं, और महज 23 वर्ग मील के इस छोटे से द्वीप पर सुनामी तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद भी आज तक खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। अभी इस आइलैंड की चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक में हो रही है, क्योंकि यहाँ के प्रतिबंधित जंगलों में पहुंचे एक अमेरिकन टूरिस्ट जॉन एलन चाऊ, जो कि 27 वर्ष के थे, उनकी वहां के आदिवासियों ने तीर मारकर हत्या कर दी। यह टूरिस्ट इस आइलैंड के भीतर गया, यह जानते हुए भी कि इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरीके का संपर्क बनाना मना है। संपर्क ना बनाने की भी बहुत बड़ी वजह है। पहला कि यह लोग बाहरी दुनिया से संपर्क करना ही नहीं चाहते, जो भी इसकी कोशिश करता है उन पर तीर कमान से यह हमला कर देते हैं। ऐसे में संपर्क बनाना जानलेवा है। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त हमारी भारत सरकार ने इसके कोस्ट गार्ड कार्य हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे, ताकि सेंटिनली आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए। साल 2006 में दो मछुआरे अपनी नाव समेत भटककर आइलैंड के करीब पहुंच गए थे तो जान से हाथ धो बैठे। साल 1981 में जब एक जहाज आइलैंड की रीफ में जा पहुंचा था तो आदिवासियों ने तीर कमान भाले लेकर जहाज के क्रू पर हमला कर दिया था। तब किसी तरह की उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया था। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि यह लोग भारत के ही हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं कि इनसे जो भी बात करना जाता है ये उसको मार देते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जाना तो मूर्खता होगी, और इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ पर जाने के लिए बैन लगा रखा है और वह खुद भी अब इनके पास नहीं जाना चाहती। YouTube चैनल जियो ब्रदर के एक वीडियो के मुताबिक साल 1991 में इन लोगों से पहली बार दोस्ताना संपर्क बनाया गया था, जब एक नाव में कई सारे नारियल लादकर आइलैंड के करीब ले जाए गए थे। तब पहली बार वहां पर नारियल गिराए गए और स्थानीय लोगों को उन्हें खुशी खुशी उठाते हुए भी देखा गया। असल में इस आइलैंड पर नारियल है ही नहीं और यहाँ के आदिवासी इन्हें बेहद पसंद करते हैं, मगर दोस्ताना संपर्क का यह पहला और आखिरी ही मौका था। सरकार ने इसके बाद साल 1997 में संपर्क की कोशिश छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पर गए हुए सरकारी अधिकारियों की हत्याएं होनी बढ़ रही थी और ऐसे में सरकार को यह कदम उठाना लाजमी था। सेंटिनल द्वीप के आदिवासियों से संपर्क ना करने की दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इन लोगों की तमाम बीमारियां होने लगती हैं। यही वजह है कि ट्विटर पे कई लोग अमेरिकी नागरिक चाऊ के आदिवासियों से संपर्क बनाने की आलोचना भी कर रहे थे और उसके बावजूद वे गए। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे यह चिंता जाहिर करी थी कि उन्हें डर है कि कहीं चाऊ के शरीर से आदिवासी लोगों के अंदर बीमारियां या इन्फेक्शन ना पहुंच जाए, क्योंकि दोस्तों दुनिया में यही एक ऐसा द्वीप है और यही एक ऐसी प्रजाति है जिसको खांसी जुकाम बुखार तक की भी बीमारी कभी नहीं होती है। एकदम चौंकाने वाली बात, लेकिन यही सत्य है। यह जगह इतनी साफ सुथरी है, दुनिया से कटी हुई है, पॉल्यूशन से कटी हुई है कि यहाँ पर कोई बीमारी पनपती ही नहीं, और ऐसे में अगर कोई हमारी तरीके की आधुनिक दुनिया का इंसान उनके पास जाता है तो वो बीमारियां ही लेकर जाता है। और ये भी एक रीजन है कि वहां पर भारत सरकार ने पूरी तरीके से मिलने जुलने पर भी बैन लगा रखा है। तो फायदा यही है कि यह लोग जैसे भी जीवन जी रहे हैं इनको जीने दिया जाए, क्या फायदा किसी की भी हम मर्यादाएं तोड़ दें और अपनी मौत को भी गले लगा लें। ऐसे में तो कोई फायदा दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, अगर आप भी अंडमान निकोबार जाने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर जाएं, तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि सरकार यहाँ पर अब नजर रखती भी नहीं है, और अगर आप चोरी छुपे चले भी जाएंगे तो अपनी मौत को ही गले लगा लेंगे, तो फायदा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप अंडमान निकोबार जाते हैं तो वहां के बस खूबसूरत बीचेस जहां पर आपको जाने की अनुमति है वहीं घूमें और घूम घाम के अपने शहर, अपने घर, अपने परिवार के पास वापस आ जाएं। इसी में शायद आपकी भलाई होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको दोस्तों के साथ फैला दें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।